वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर क्लासिक्स। हमारे चैनल पर डेली जीएनवी क्लासिक्स के लिए इंग्लिश, मैथ और मेंटल एबिलिटी के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासिक्स में अपने एडमिशन के सपने को पूरा करें। तो देखो, हमें एक प्रॉब्लम फिगर गिवन है और हमने देखना है कि इस फिगर को हम कंप्लीट करेंगे तो इनमें से कौन सी फिगर यहाँ पर फिट होती है। बेस्ट मेथड है आप इस फिगर को कंप्लीट कर लें इस तरह से, और कंप्लीट करने के बाद देखो हमें एक ऐसी फिगर चाहिए जो इस ग्रीन फिगर से मैच करती हो, क्योंकि वही वाला हमें एक ऐसा तीन फिगर से पार्ट चाहिए जो इसमें फिट हो जाता हो, मीनिंग हमें एक ऐसा हिस्सा चाहिए जो फिट हो जाता। तो इन तीन में से ऐसा हिस्सा चूज़ करिए जो इनमें फिट हो जाता। तो ये देखिए, ये जो ऑप्शन बी है इट इज़ करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल यहाँ से मोड़ा हुआ ये नहीं होगा, ये नीचे की ओर है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ आप देखें तो इसका डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ में, आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है कि इसमें आपका कौन सा डिज़ाइन आता है। तो सबसे पहले जो ये स्क्वायर बन रखा है या जो भी ये शेप है, आप इसको कंप्लीट करें इस तरह से। मैंने इस शेप को कंप्लीट कर दिया, ठीक। अब इस शेप को आप इस शेप को कलर कर लें। अगर मैं इस शेप को कलर करूँ तो कलर करने के बाद आप देखेंगे कि आपको कौन सा फिगर पार वाली ऑप्शंस में नज़र आ रहा है। चलिए जल्दी से मैंने इसको क्या कर दिया, कलर कर दिया। अब आपने बिल्कुल ये जो ग्रीन वाला फिगर है ऐसा ही एक फिगर यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए यहाँ देखिए, ये तो छोटा सा कॉर्नर है, ये वाला नहीं होगा। इसका कॉर्नर इससे अलग है, ये वाली फिगर का कॉर्नर देखें, और यहाँ वाली फिगर भी क्या है इससे क्या है, अलग है। अगर मैं ऑप्शन ए को ध्यान से देखूँ तो ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए यहाँ पर टेढ़ा है तो यहाँ पर भी टेढ़ा है, यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पर भी ये नीचे की ओर आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, फिर ऐसे साइड की ओर आ रहा है, साइड की ओर आ रहा है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, ये वाली फिगर बिल्कुल यहाँ फिट हो सकती है। 39 में ये फिगर इनकम्प्लीट थी, मैंने यहाँ इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने ग्रीन कलर भर के कंप्लीट कर दिया। अब आपने बताना है ये ग्रीन कलर वाला बिल्कुल ऐसा पोर्शन यहाँ कहाँ दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देखिए बिल्कुल इसके जैसा पोर्शन, ये बिल्कुल इसके जैसा पोर्शन हमें कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो बिल्कुल जो ये वाला पोर्शन है ये कौन सा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें ये फिगर थी, ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक गिवन है, मैंने इसको ऐसे करके क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो अब मुझे एक ऐसी फिगर चाहिए जो आपको ग्रीन में दिख रही है, तो इसके साथ की आप मैचिंग फिगर ढूंढें। देखो यहाँ वाला नीचे का पार्ट बहुत बड़ा है, ये नहीं होगा, ये तो डिज़ाइन ही बिल्कुल बदल गया है, ये भी नहीं होगा, ये और ये दोनों डिज़ाइन थोड़े एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें भी जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए नीचे की ओर बैंड, नीचे की ओर बैंड, साइड की ओर बैंड, साइड की ओर की बैंड, फिर ऊपर की ओर बैंड, फिर ऊपर की ओर बैंड, फिर नीचे की ओर क्या है, बैंड है, फिर उसके बाद थोड़ा सा सीधा है और फिर अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। सो जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये क्या है, बिल्कुल ऑप्शन सी नहीं सॉरी ऑप्शन बी, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये बेस्ट ट्रिक है अगर आप फिगर कंप्लीशन वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं, साइड से आप फिगर को कंप्लीट कर लें, फिर देखिए बिल्कुल उसके जैसी फिगर यहाँ कहाँ बन रही है। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेंटल एबिलिटी मैथ इंग्लिश के डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।